प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। मेट्रो में यात्रा कर यात्रियों से की बातचीत। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर खोलेंगे राज्य सरकार की नाकामियों की पोल। सैनिक स्कूल तिलैया ने मनाया स्थापना दिवस। पूर्ववर्ती छात्रों ने पुराने दिनों को किया याद। कहा स्कूल में सिखाई गई हर बात उनके जीवन में आ रहा काम। और राज्यभर में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। स्वर्णरेखा सहित कई नदियों के जल स्तर में वृद्धि। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उराव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रखा है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद से भुज के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन करने के बाद मेट्रो में सफर किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत की। ये मेट्रो रेल है, आज इसका जो नया नामकरण हुआ है, ये एक मॉडर्नाइज रेल है। और बाकी जैसे हमने देखा कि जो बाकी ट्रेन हमने दिल्ली या उस सबसे पहले बंगाल में स्टार्ट हुई, फिर दिल्ली और महाराष्ट्र में, और अब यहाँ पर ये जो गुजरात के अंदर ट्रेन है ये हाईली कंफर्टेबल है और मॉडर्न, बहुत मॉडर्न ट्रेन है। और अगर हम बात करते हैं जो वंदे भारत जिसका पहले नाम था, जो भुज से लेकर अहमदाबाद को कनेक्ट करेगी, वो भी काफी हद तक जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की समस्या है उसको कम करेगी। और 6 घंटे से अंदर अगर आप करीब 360-370 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और वो भी कंफर्ट के साथ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और आज प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी है और कल से भुज अहमदाबाद की ट्रेन जो है वो आम पब्लिक को के लिए खुली होगी और वो इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 2 ज्योतिर्लिंग अब सीधे वंदे भारत ट्रेन से जुड़ गई है। बाबा बैद्यनाथ धाम से काशी विश्वनाथ के लिए पहली सीधी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। उद्घाटन के बाद पहली बार यह ट्रेन आज बनारस से चलकर 1:40 पर देवघर पहुंची। वहीं देवघर से अपराह्न 3:15 पर बनारस के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने से श्रद्धालुओं में काफी खुशी देखी जा रही है। के बाद यात्री काफी सहमत महसूस कर रहे थे, उसे फीडबैक लिया मैंने, वो काफी गर्व महसूस कर रहे थे कि मैं काशी विश्वनाथ से यहाँ पहुँचा हूँ बाबा बैद्यनाथ की नगरी में। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, इसी की वजह से हम आज बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए हो पाएंगे, कल जा पाएंगे। तो सर हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी मुहिम है जो प्रधानमंत्री ने चलाई है। दर्शन करने के बाद जब जानकारी हुई तो बहुत अच्छी लगी हम लोग को कि डायरेक्ट हम लोग पूजा करने के बाद देवघर से और अपने गंतव्य की ओर गया हम लोग पहुंच जाएंगे आराम से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रांची स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के निदेशक डॉक्टर अभिजीत कर एवं सलाहकार डॉक्टर निर्मल कुमार ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संस्थान में 20 सितंबर को आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। प्रदेश भाजपा 20 सितंबर से संताल परगना से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, परिवर्तन यात्रा के संयोजक राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और सह संयोजक डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह परिवर्तन यात्रा हेमंत सरकार के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल के वादा खिलाफी के खिलाफ निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि न सहेंगे न कहेंगे, बदलकर रहेंगे के नारे के साथ यह परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि संथाल के भोगनाडी, पलामू के नगर उटारी, हजारीबाग के भद्रकाली मंदिर, दक्षिणी छोटानागपुर के
अमेश्वर धाम, कोल्हान के चितेश्वर धाम और धनबाद के झारखंडी धाम से परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। ऐसे इन सारे मुद्दों को लेकर ये यात्रा संपूर्ण झारखंड प्रदेश की परिक्रमा करेगी और यात्रा का नारा जो रहेगा वो न सहेंगे न कहेंगे बदल के रहेंगे, यानी झारखंड की सरकार है उसको बदल के रहेगी, न सहेंगे न कहेंगे बदल के रहेंगे और फिर झारखंड की जो स्वाभिमान है, झारखंड की जो अस्मिता है उसको हमें इस यात्रा के माध्यम से जागृत करना है, क्योंकि झारखंड की जो स्वाभिमान वो क्या था कि ऑनेस्टी का, मेहनती का, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि सरकार जिस प्रकार से इन 5 वर्षों में जो झारखंड को लूटा है तो एक प्रकार से झारखंड की जो स्वाभिमान है उसको ठेस। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज रांची में प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की बैठक हुई। बैठक को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत में आरती सिंह ने कहा कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराने के लिए महिला मोर्चा की कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगी। इस दौरान राज्य सरकार की नाकामियों से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा। एक मछली में जो चारा डालते उस तरह से चारा डालकर लोगों को लुभा रहे हैं, महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं और देखिएगा ये योजना लंबी चलने वाली है, मात्र 2 महीने के लिए वो देना। अगर उनको महिलाओं की इतनी चिंता रहती तो सबसे पहले जब सरकार बनी तो उनको ये योजना लागू कर देनी थी और इस योजना से अभी तक लोगों को कितना लाभ मिल जाता, लेकिन ये बिल्कुल भी ठगने का काम कर रही है, इसको जनता जान रही है और बोल भी रही है। संताल परगना के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हिरणपुर प्रखंड के डांगापाड़ा में आदिवासियों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ आज मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन को भाजपा नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व विधायक नलिन सोरेन और सीता सोरेन के अलावा कई नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर इन नेताओं ने संताल परगना में आदिवासियों की घटती आबादी और लुटती जमीन को बचाने के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ साजिश के तहत किया जा रहा है जिसके चलते यहां की डेमोग्राफी बदल रही है। श्री सोरेन ने हेमंत सरकार पर आदिवासियों की भावना के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। चांद भैरव पूर्वाचार ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शक्तिशाली हुकूमत के खिलाफ भी अपना इस जमीन, अपना परिवार इज्जत से कभी खिलवाड़ होने नहीं दिया, संघर्ष करने तैयार हो गया लेकिन किसी तरह का अपना सौदा होने नहीं दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में झामुमो और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव ने स्थिति स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में सीटें घटाने बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछली बार दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय हुआ था यदि इस चुनाव में भी कायम रहता है तो उससे दोनों पार्टियों को फायदा होगा। मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ेगा, हम जितना में लड़े हैं हम लड़ेंगे, जेएमएम जितना में लड़ी है वो लड़ेगी, आरजेडी को कितना दिया जाएगा वो हम नहीं जानते, उस समय जब टेबल में बैठेंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो हम लोगों के बीच समझौता पिछले इलेक्शन के समय में हुआ था वही कामयाब रहेगा तो दोनों को फायदा होगा, मैं इतना कहूंगा, दोनों को फायदा होगा। सीट घटाने बढ़ाने से बहुत कोई फायदा नहीं होगा।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सम्मान में 22 सितंबर को रांची के बजरा में मैया सम्मेलन आयोजित करेगी। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य की वर्तमान सरकार ने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सम्मान में आयोजित होने वाले मैया सम्मेलन में 15 विधानसभा क्षेत्रों से 1,000 महिलाएं हिस्सा लेंगी। सम्मेलन को प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय स्तर के कई नेता संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 15 विधानसभा से महिलाओं का 1 विधानसभा से तकरीबन 1,000 महिलाएं आएंगी। महिला के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता डिसूजा भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके साथ साथ हमारे जो प्रदेश के महिला अध्यक्ष के साथ साथ हमारा प्रदेश अध्यक्ष CLP के अलावा हमारे जितने भी प्रदेश के नेता हैं सभी लोगों को उस पर आमंत्रित किया गया। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर कार्यक्रम में गैर भाजपा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन वहां आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय झामुमो विधायक और पूर्वी सिंहभूम जिले के 2 मंत्रियों को आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि को बुलाने की परंपरा है, चाहे वे किसी भी दल के क्यों ना हो। कोडरमा जिले के झुमरी तलैया स्थित देश के सबसे बड़े सैनिक स्कूल ने आज अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। इस समारोह में स्कूल के स्थापना काल से लेकर आज तक के छात्र शामिल हुए और इस पल के गवाह बने। सैनिक स्कूल तिलैया ने 61 सालों में देश की रक्षा के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनगिनत कैडेटों को निखारने का काम किया है। स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे पूर्ववर्ती कैडेटों ने स्कूल में बिताए पुराने दिनों को याद किया और कहा कि स्कूल में सिखाई गई हर बात जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आ रही है। हम लोग गिल्ली डंडे और क्रिकेट के अलावा कुछ ज्यादा कुछ जानते नहीं थे और यहाँ पर आने के बाद ऐसे गुरुजन हम लोगों को मिले जो कि न सिर्फ पढ़ाते थे हम लोग हर एक सब्जेक्ट, लैंग्वेज है, साइंसेज, सोशल साइंसेज, सब कुछ, और उसके साथ हमारे साथ वो खेलते भी थे, खेलना सिखाते भी थे। तो सैनिक स्कूल आपको ईमानदारी सिखाती है, वो नैतिकता सिखाती है, वो वीरता सिखाती है, रेजिलियंस सिखाती है, सोशल होना सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सिखाती है दैट इज नेवर से डाई। देश में सैनिक स्कूल की स्थापना की परिकल्पना भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी। 1963 में आज ही के दिन कोडरमा के तिलैया में इस स्कूल की स्थापना की गई। हमारे पास तकरीबन 900 बच्चे पढ़ते हैं, बाकी स्कूल में 400, 450, 500 के करीब बच्चे रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं 900 में से 70% बच्चे जो है वो झारखंड से है। इन 61 सालों में स्कूल के आधारभूत संरचनाओं में भले ही बदलाव आया है, लेकिन आज भी यह स्कूल देश की रक्षा के लिए कैडेटों को तैयार करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस स्कूल के पहले बैच के छात्र रहे DD लहरी ने कहा कि काफी सालों के बाद आज इस स्कूल में आकर पुरानी यादें ताजा हो गई है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल पढ़िए, इंजीनियरिंग पढ़िए, इंजीनियर बनना चाहते हैं वकालत पढ़िए वकील बनने के लिए, लेकिन इंसान बनने के लिए आप लिटरेचर पढ़िए। स्थापना दिवस के मौके पर स्कूल टीम के कैप्टन और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर स्कूल की छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इस स्कूल से हर साल सबसे ज्यादा कैडेट NDA के लिए चयनित किए जाते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज और व्यावसायिक जगत में भी इस स्कूल के कैडेट पूरे देश में अपना परचम लहरा रहे हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। GST परिषद ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन बीमा उत्पादों के प्रीमियम पर GST दर का सुझाव देने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है। GST परिषद ने मंत्री समूह से 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
जीएसटी दर का सुझाव देने और 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। इस समूह के सदस्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के प्रतिनिधि शामिल हैं। 9 सितंबर को हुई जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में जीवन और चिकित्सा बीमा पर जीएसटी के मौजूदा कर ढांचे की जांच और समीक्षा के लिए एक मंत्री समूह गठित करने का फैसला किया गया। बीमा प्रीमियम पर कराधान के बारे में परिषद द्वारा अंतिम फैसला नवंबर में होने वाली अगली बैठक में मंत्री समूह की रिपोर्ट के आधार पर लिए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सहित कुछ विपक्ष शासित राज्यों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से पूरी तरह छूट की मांग की थी, जबकि कुछ अन्य राज्य कर को घटाकर 5% करने के पक्ष में थे। राज्य भर में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्वर्णरेखा और खरकई सहित कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं कल पलामू, गढ़वा और चतरा में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर से मौसम सामान्य हो जाएगा। 60 कुछ कुछ केस में 70 किलोमीटर तक की भी जा रही है, उसको देखते हुए झारखंडवासी थोड़ा सतर्कता बरते हैं और जब तक बहुत जरूरी ना हो तो बाहर निकलने से बचे। कल 17 तारीख में जो पलामू और गढ़वा दो जिले हैं जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट है भारी, बहुत भारी बारिश के लिए, और चतरा और लातेहार के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। तो शेष जो इलाके हैं मध्य के जो वेस्ट से सटे हुए हैं वहाँ पे आपको मॉडरेट रेन देखने को मिलेगा, और बाकी संथाल इलाकों में कुछ जगहों पे आइसोलेटेड लाइट रेन मॉडरेट रेन देखने को मिलेगा। तो आज में तो पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा बारिश, कल थोड़ी सी बारिश में गिरावट होगी बट पूरा पश्चिमी भाग और मध्य भाग में आपको कल में भी मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलेगा। साथ में जो पलामू गढ़वा है वहाँ बारिश, बहुत भारी बारिश, और चतरा और लातेहार में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इधर बोकारो जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियों और नालों के जलस्तर बढ़ गए हैं। बोकारो स्टील सिटी के कई इलाकों में जल जमाव के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण गरगा डैम का एक और तेनुघाट डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया है। बोकारो जिले में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश का सबसे अधिक असर कामकाजी लोगों और गरीबों पर हुआ है। अस्पताल जाने के लिए घर से निकली मौसमी मीना ने कहा कि ऑटो नहीं चलने के कारण उन्हें पैदल ही अस्पताल जाना पड़ रहा है। हम BGH हॉस्पिटल जा रहे हैं, डिलीवरी हुआ है वहाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए आम जनता के लिए कितना दिक्कत का बात है। देखना चाहिए भाई, रोड है, साधन है, अब इतना आम जनता को दिक्कत होता है तो उसके लिए तो आप करना जरूरी है ना ये सब चीज। वही ठेला चालक वाल्मीकि राम ने कहा कि बरसात के दिनों में प्रति वर्ष यही स्थिति होती है, बावजूद इसके पानी निकलने का समुचित प्रबंध नहीं किया जाता है। क्या होगा, यही देखिए पानी में हम लोग घुस के जा रहे हैं, थोड़ा सी यही रोड को तनी बढ़िया बनाता ऊंचा करके तो पानी जमता नहीं। नाले वाले बनाते, नाला तो है ही है मगर पानी टान नहीं रहा, नाला है मगर उसमें पानी जा नहीं रहा। हर साल तो यही हो रहा है, ये तो हमेशा हो रहा है। जिसमें रोड टूटा हुआ था उसमें भी प्रॉब्लम था, अभी रोड बन गया वही प्रॉब्लम। उधर बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारी मयंक आकाश ने बताया कि गरगा डैम का जल स्तर बढ़ जाने के कारण उसका एक गेट खोला गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर डैम के और भी गेट खोले जाएंगे। बोकारो स्टील सिटी के नया मोड़ से स्टील गेट तक जाने वाली सड़क में जल जमाव के कारण कई गाड़ियां फंस गई। ऑफिस और नियमित काम पर जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23.7 और न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.1 और न्यूनतम 22.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मूक बधिर और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमाघरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शनों में सुगमता से पहुंच के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रसारण मंत्रालय ने मूक बधिर और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमाघरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन में पहुंच मानकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सिनेमा देखने को समावेशी बनाने और सिनेमाघरों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश उन फीचर फिल्मों पर लागू होंगे जिन्हें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सिनेमा हॉल या मूवी थिएटर्स में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है। सभी फीचर फिल्में जिन्हें एक से अधिक भाषाओं में प्रमाणित किया जा रहा है उन्हें श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए कम से कम एक सुलभता सुविधा, क्लोज कैप्शनिंग, ओपन कैप्शनिंग और ऑडियो विवरण प्रदान करना आवश्यक होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि 15 सितंबर 2024 निर्धारित की थी। CBFC ने घोषणा की है कि ई सिने प्रमाण में एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल को निर्धारित समय सीमा के अनुसार सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। आवेदक अब दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट श्रवण और दृष्टि बाधित लोगों के लिए आवश्यक एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं के साथ अपनी फिल्मों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। झारखंड कलवार संघ की रांची इकाई ने नेवरी में अपने कुल देवता भगवान बलभद्र का जन्मोत्सव सह पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया। संघ द्वारा नेवरी में धर्मशाला का निर्माण कराया जा रहा है, इसलिए समारोह के लिए इसी स्थल को चुना गया था। भगवान बलभद्र की पूजा अर्चना के बाद समाज के बच्चे बच्चियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड के मल्हा टोली गांव में धनकई नदी पर बने पुलिया के दोनों गार्ड वॉल बारिश से क्षतिग्रस्त हो गए। इस पुलिया का निर्माण 22 लाख की लागत से जिला योजना समिति द्वारा कराया गया था। हालांकि पुलिया का कुछ काम अभी होना बाकी था, लेकिन लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेदिनीनगर शहर के लोग इन दिनों जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। रेडमा चौक, कचहरी परिसर, 6 मुहान चौक, सादिक चौक और थाना रोड में लोगों को रोजाना घंटों जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जाम लगने का कारण शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश, सड़क पर खड़ी बेतरतीब गाड़ियां और फुटपाथी दुकानदारों का अतिक्रमण बताया जाता है। राजधानी रांची में पिछले दिनों घटी हत्या की दो अलग अलग घटनाओं की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप के हत्यारे अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। वहीं टायर कारोबारी गोपाल श्रीवास्तव के हत्यारे भी फरार हैं। अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि पुलिस अधिकारी और कारोबारी को गोली क्यों और किसने मारी है। नक्सली संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप को रांची से पलामू जेल में शिफ्ट किया गया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिनेश गोप को पलामू जेल में शिफ्ट किया गया है। सूत्रों के अनुसार रांची जेल में रहकर भी वह कारोबारियों से लेवी मांगने का काम कर रहा था। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे दूसरे जेल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। गुमला के उपायुक्त ने सिसई प्रखंड के पंडरानी गांव में अबुआ आवास योजना में गड़बड़ी करने वाले प्रखंड समन्वयक की संविदा को रद्द कर दिया है। साथ ही इस मामले की गहन जांच करने का आदेश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले संवेदकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के 16 जिलों की 59,249 हेक्टेयर कृषि भूमि अम्लीय हो गई है। यह खुलासा कृषि विभाग के आंकड़ों से हुआ है। आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक रांची और खूंटी को मिलाकर 7,698 हेक्टेयर, पश्चिमी सिंहभूम में 7,182 हेक्टेयर, गुमला में 5,320 हेक्टेयर, गिरिडीह में 4,941 हेक्टेयर, रामगढ़ और हजारीबाग को मिलाकर 5,049 हेक्टेयर और दुमका में
4,410 हेक्टेयर भूमि अम्लीय हो गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के सिंदरी बेड़ा पंचायत के ग्रामीणों की बैठक झारखंड पार्टी के केंद्रीय सचिव महेंद्र जामुदा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए रणनीति बनाई गई। इस अवसर पर श्री जामुदा ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी की जीत होने पर क्षेत्र के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। धनबाद के उपायुक्त ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दौरान प्राप्त 2,191 आवेदनों का निष्पादन किया। इस अभियान के दौरान जिला प्रशासन को विभिन्न पंचायतों धनबाद नगर निगम एवं चिरकुंडा नगर परिषद के वार्डों में आयोजित शिविरों से 20,309 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बांकी पंचायत के लेदा गांव में आदिवासी यंग एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राज्य के जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन ने विजेता टीम को 1,80,000 तथा उप विजेता को 1,30,000 रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसके अलावा सेमीफाइनल के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। मेट्रो में यात्रा कर यात्रियों से की बातचीत। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर खोलेंगे राज्य सरकार की नाकामियों की पोल। सैनिक स्कूल तिलैया ने मनाया स्थापना दिवस। पूर्ववर्ती छात्रों ने पुराने दिनों को किया याद। कहा स्कूल में सिखाई गई हर बात उनके जीवन में आ रहा काम। और राज्यभर में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। स्वर्णरेखा सहित कई नदियों के जल स्तर में वृद्धि। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद।